हाईटेक सिटी नोएडा में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए शनिवार को साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार खुद साइकिल पर सवार हुए और साइकिल चलाते हुए लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। और ये रैली सेक्टर 38A गार्डन गैलरिया से शुरू होकर हाजीपुर अंडरपास होते हुए वापस गार्डन गैलरिया पर आकर समाप्त हुई। नोएडा के सेक्टर 38A गार्डन गैलरिया पर साइकिल लेकर खड़े लोग गो का इशारा मिलते ही साइकिल रैली निकालते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। साथ ही साइकिल पर सड़क दुर्घटना के बारे में जागरूक करने के लिए प्ले कार्ड लगे हुए थे, जिन पर यातायात नियमों का पालन करने संबंधित स्लोगन लिखे हुए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार खुद साइकिल पर सवार हुए व रैली में भाग लेने वालों का उत्साह बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। रैली में मौजूद लोगों से उम्मीद है कि रैली के अलावा भी वो जहां जाएंगे वहां यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। इस साइकिल रैली में करीब 200 लोगों ने हिस्सा लिया। देखिए, जैसा आप लोगों को मालूम है, यातायात माह चल रहा है और यातायात माह के दौरान हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया है लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए। उसी क्रम में आज एक साइकिल रैली जो साइकिलर्स हैं, साइकिलिस्ट्स हैं, उनके द्वारा और प्लस पुलिस विभाग के सौजन्य से यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 18 से 20 किलोमीटर के आसपास का इसका रूट है और इसका जो उद्देश्य है वो लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का है। किस तरह का संदेश लोगों को लोगों को ये संदेश पहुंचाने के लिए कि नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल स्कूटी ना दें, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन ना चलाएं, कोहरे का समय है, सर्दी का समय है, फॉग लाइट का उपयोग अवश्य करें, वाहन में रिफ्लेक्टर लगा कर रखें। इस तरह के बहुत सारी छोटे छोटे संदेश हैं जो कि पब्लिक तक पहुंचाने के लिए इस साइकिल के माध्यम से पूरे रूट पर हम लोगों को जागरूक करेंगे। मेरे ख्याल से जिस तरह से ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते लोग, राइट, रेड लाइट है, ओवर स्पीडिंग है, राइट, तो दिस इज़ एन इनिशिएटिव बाय डी कैथलॉन एज वेल एज दी ट्रैफिक पुलिस टू ऑर्गेनाइज दिस साइक्लोथॉन। दिस विल श्योरली हेल्प टू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ द यू कैन सी दैट what all lines they kind of provided, तो उससे थोड़ा हेल्प मिलेगा लोगों को समझने के लिए कि क्या नियम हमें फॉलो करने चाहिए और बच्चों को बड़ों को कम से कम थोड़ा सा एक अवेयरनेस होगी इस साइक्लोथॉन से। थैंक यू। सो दो संदेश हैं मोटे मोटे, एक तो ये कि हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए और दूसरा साइकिल चलाना एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छा है। तो ये एक मैसेज है इम्पोर्टेंट जो आई थिंक इस इनिशिएटिव से पास ऑन होगा सभी लोगों को। आज हम हेल्थ और फिटनेस प्रमोट कर रहे हैं और सेफ्टी ऑन द रोड्स जो एक्चुअली जैसे इंडिया में बहुत लोग फॉलो नहीं करते। गाड़ी वाला आपको देखता है न्यूज़ में हमेशा ठोक के, या तो बस वाला साइकिल वाला ठोक के चला जाता है, तो उसी के लिए हम ये लाइट्स वाइट्स सब वो लगा के चलते हैं और सेफ्टी को प्रमोट कर रहे हैं आज। Traffic month, so doing different activities. So I think he is the right person to tell what all we are doing and what all we should do. मैं last में बस thank you इन लोगों का धन्यवाद, खास करके परम आदरणीय हमारे SSP सर का, SP सिटी सर का, हमारे CEO ट्रैफिक है, जिन्होंने आपके साथ इस रैली में भाग लिया और सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि उन्होंने भी पूरी जो दूरी है वो पूरा का पूरा तय किया। ये अपने आप में सेफ एंड सिक्योर। सर एंड थैंक यू टू यू, हमें इतना VIP कभी फील नहीं हुआ राइड में। अच्छा, हमें मिला ये अपने आप में एक अच्छी फीडबैक रही कि सर वाकई आज जिस तरीके से हमें साइकिल चलाने का मौका मिला, जिस VIP ट्रीटमेंट में चलाने का मौका मिला, वो पहले कभी नहीं मिला। और हमारी कोशिश होगी कि जो टाइमिंग है आप लोगों की, अगर ऐसा कभी भी कोई एफर्ट होता है आप लोगों का सामूहिक रूप से, एक दो व्यक्ति के लिए तो नहीं कह सकते, बट सामूहिक रूप से आइदर वीकेंड पर में जब भी आप इस तरीके का फंक्शन ऑर्गेनाइज करें,
चाहे 10 आदमी 20 आदमी मिलकर के आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आपको यही ट्रीटमेंट देंगे, इसी तरीके की व्यवस्था आपको मिलेगी। हम एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। सर ने जैसा कहा ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर के, तो ऑलमोस्ट आप सभी साइकिलिस्ट हैं, साइकिल चला रहे हैं, बाइक चलाते हैं, आप सभी को मालूम भी है ऑलमोस्ट कि हमें ओवरटेक कैसे करना है, हमें हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट पहनना है, आप जितने भी हैं सभी को मालूम है। और अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ एक्सरसाइज भी हो रही है इस चीज़ को लेकर के, और प्रॉपरली हम चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती है कि कुछ वायलेशन ऐसे होते हैं जिसमें अज्ञानतावश होती है, तो उसमें हम आपके साथ खड़े भी होते हैं, आपका सहयोग भी लेते हैं। ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहाँ पर मैं आप लोग अपनी सेवाएं देते हैं, एज ए वॉलंटियर सेवाएं देते हैं। कई बार एडवर्स कंडीशन होती है तो आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े भी होते हैं, इसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद है। बहुत कुछ नहीं कहने के लिए है, बस सिर्फ इतना ही है कि हमारे SSP सर का आशीर्वाद मिले, वही हम सभी के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद। आप अगर एक मेरी बात सुने तो ये एक अकेला स्ट्रेच है जहां आप साइकिल ट्रैक पे चला सकते हैं। पूरे शहर में बहुत साइकिल ट्रैक्स हैं लेकिन कहीं पे लोग उसे सही इस्तेमाल नहीं करते। कोई गाड़ी खड़ी कर देता है, कोई ठेला खड़ा कर देगा, लोग कचरा डाल देते हैं वहां पे। तो थोड़ा सा मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये अवेयरनेस अगर आप लोग करें तो हम लोगों को VIP ट्रीटमेंट वीकेंड पर ना भी मिले तो साइकिल ट्रैक्स क्लीन मिले, तो एटलीस्ट वो एक बहुत बड़ी सफलता है। निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा। और जब भी जिस रूट से इतने साइकिलिस्ट निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इंक्रोचमेंट टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही हैं उस पर भी थोड़ा लोगों में भी एक अवेयरनेस आएगा। नेचुरल सी बात है, अभी तो ये मान के चलते हैं कि साइकिल चलाने वाले इस जिले में है ही नहीं, इस सिटी में है ही नहीं, तो जैसे चाह रहे हैं उस जगह का उपयोग हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो ये भी चीज़ें, साइकिल ट्रैक भी हम फ्री कराएंगे आने वाले समय में। सर पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, SP ट्रैफिक अभी हमारे साथ थे अनिल, SP सिटी साहब मिस्टर अरुण, CO ट्रैफिक मिस्टर श्वेताब पांडे, TI साहब हमारे साथ हैं अनिल कुमार पांडे, नायक सिंह किधर हैं? अच्छा ये हमारे दूसरे TI हमारे साथ हैं और बाकी पूरा हमारा ट्रैफिक का स्टाफ। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक ऑल ऑफ यू। साइकिलिंग तो आप लोग रेगुलर करते ही हैं, इट्स योर हॉबी, लेकिन आज हम लोगों ने जो साइकिलिंग किया दैट वॉज फॉर ए कॉज, फॉर ट्रैफिक अवेयरनेस। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग इस हॉबी को कैसे सोशल अवेयरनेस कैंपेन में बदल सकते हैं। सो मे बी एट सम अदर पॉइंट और एनी अदर सोशल कॉज हम लोग इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जहाँ तक बात सहूलियत की है, आई नो जो ये साइकिल ट्रैक्स बनाए गए थे इट वॉज फॉर द पब्लिक कन्वीनियंस एंड विद ए गुड कंसेप्ट, बट ऑब्वियसली जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पे डिपेंड करती हैं कि हमको कैसे इस्तेमाल करनी है। तो वी द पब्लिक, बेसिकली वी द पब्लिक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देट, क्योंकि जो आपने कहा वो काफ़ी हद तक सही है और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर वो इंक्रोचमेंट्स हो गए हैं। विल ट्राई अवर बेस्ट, ऑल दो क्योंकि पुलिस के पास और बहुत सारे काम रहते हैं, हम लोग जो हमारा स्टाफ है इट्स एक्चुअली शॉर्ट, और हम लोग रेगुलर जो ट्रैफिक है वही अगर मैनेज कर लें तो उसी में आप लोगों की बहुत दुआएँ हमें मिल जाएंगी। बट यस दैट्स ए गुड पॉइंट एंड विल ट्राई टू फ्री इट फ्रॉम एनक्रोचमेंट एज फार एज पॉसिबल। अथॉरिटी को भी इस बारे में हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। और आज यहाँ पे बहुत अच्छा लगा बिकॉज हमारे साथ छोटे छोटे राइडर्स भी थे। वेयर इज नमन? नमन कहाँ गायब हो गया है? चला गया? अच्छा, तो हमारे साथ बहुत सारे छोटे राइडर्स भी थे, हमारे साथ मिस्टर नारंग साहब भी हैं। तो इट वॉज ए गुड इवेंट और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग कम से कम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम लोग ये तय कर लें कि वी विल नॉट वायलेट ट्रैफिक रूल्स, और हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको हम अवेयर करें। विल इंश्योर कि जो हमारी सोसाइटी में और हमारे टच में जितने लोग हैं दे शुड नॉट वायलेट ट्रैफिक रूल्स।
बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। रेड लाइट जंपिंग होना अपने आप बंद हो जाएगी, रॉन्ग साइड ड्राइविंग अपने आप बंद होना बंद हो जाएगी अगर हम लोग आपस में तय कर लें कि हमें ये सब नहीं करना है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।